ये मूवी एक सनकी ट्रक ड्राइवर की है, जो उसको उंगली करता है वो उसकी खोल के मारता है। मूवी की स्टार्ट होते ही ये दिखाया जाता है एक चरसुली गर्दुली कपल नशा करते करते इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन ड्रग्स ख़त्म हो जाते हैं और वो लड़के कुत्ते की तरह ड्रग्स मांगती है, लेकिन उसका हौशी बीएफ उसको बोलता है ड्रग्स फ्री की नहीं आती, उसके लिए पैसे लगते हैं। लेकिन उसकी नशेड़ी गर्लफ्रेंड पागल हो जाती है और वो उसके ऊपर चीज़ें भिड़काना चालू करती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड को एक आइडिया आता है, वो एक रेडियो देता है, उसको बोलता है कि किसी ट्रक ड्राइवर से एटीएम प्लस की बातें कर, और उसको एक रूम में बुला। फिर रूम में बुलाने के बाद उसको पीछे से मैं पार्ट से हेडशॉट दूंगा और उसके पैसे लेकर अपन रप्पू चक्कर हो जाएंगे। फिर वो लड़की वही करती है जो वो बोलता है। फिर वो लड़की उस रेडियो में 18 प्लस की बातें करती है, लेकिन गेस्ट व्हाट, उसको रिप्लाई रस्टी नेल देता है, एक सीरियल किलर है। वो नशेड़ी रस्टी नेल को अपने होटल में बुलाती है। रस्टी नेल होटल में आता है, जैसे क्या उसका बीएफ मारने ही वाला होता है, लेकिन रस्टी नेल गला पकड़ता है और धड़ाम करके उसको फेंक देता है। रस्टी नेल और चरसुली गर्दुली कपल्स को एक चेन से बांधता है जो कि ट्रक से जुड़ी हुई होती है। वो कहता है अगर दोनों में से कोई गिरा तो वो चेन खींच जाएंगी और दोनों ट्रक के नीचे आ जाएंगे। रस्टी नेल कहता है कि एक माइल तक अगर अपने आप को गिरने से बचा लेते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़की चिल्लाने लगती है। रस्टी नेल उसको सन्न करके मारता है। रस्टी नेल एक ड्रग्स का पैकेट भी ट्रक के बीचों बीच लगाता है और कहता है एक माइल हो जाने पर मैं आज़ाद करूंगा तुम दोनों को और ये ड्रग्स भी ले जाना। रस्टी नेल ट्रक चलाना शुरू करता है। एक माइल हो जाने पर वो बोलता है भैया एक माइल तो हो गया, और वो नशेड़ी कपल खुश हो जाते हैं। लेकिन वो पागल औरत वो ड्रग्स को लेने जाती है, जिसके कारण उस लड़की की चेन खींच जाती है और वो ट्रक के नीचे आता है, और साथ ही साथ वो लड़की की भी चेन खींच जाती है और उसकी भी भेलपुरी निकलती है। दूसरे सीन में हमको ये दिखाया जाता है एक कॉप जो अभी अभी ज्वाइन हुआ था इस टाउन में, उसको एक दूसरा कॉप बोलता है पिछले 2 महीने से 13 बॉडी मिली है इस हाईवे पे, लेकिन उनका सीनियर बोलता है ऐसा लिखो कि एनिमल अटैक हुआ है। जॉर्डन, बॉबी, ऑस्टिन, माइकल, जेवल जो जॉर्डन की गर्लफ्रेंड होती है, और असलीना, ये होते कहानी के मेन कैरेक्टर। ये सब लोग एक रेस में जाने की तैयारी करते हैं जो कनाडा में होने वाली थी, और ये लोग निकल पड़ते हैं कनाडा की तरफ। फिर रास्ते में वो लोग एक बाबा के ढाबा में रुकते हैं ब्रेक लेने के लिए। ऑस्टिन कहता है मैप में एक कच्चा रास्ता है, उस कच्चे रास्ते से जाएंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए और प्रैक्टिस भी कर सके। फिर ऑस्टिन और जॉर्डन वहाँ पे बैठे एक ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं उस रास्ते के बारे में, लेकिन वो ड्राइवर मना करता है उनको उस रास्ते से जाने के लिए। वो बोलता है वहाँ से कोई जाता है तो गायब हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक ठुल्ला आता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, इस जूते की बात मत सुनो, वो रास्ता सेफ है। उन लोगों को जल्दी भी पहुँचना होता है, इसलिए वो वही कच्चे रास्ते से जाने की डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं उस रास्ते की तरफ। ऑस्टिन गाड़ी चलाते चलाते एक ट्रक को कट मारता है और कीचड़ भी उड़ाता है, लेकिन वो ट्रक अपने रस्टी नेल भैया की थी और ऑस्टिन ने रस्टी नेल को उंगली किया था, इसका मतलब अब रस्टी नेल ऑस्टिन की खोल के मारेगा। ये देख के जॉर्डन और बाकी सब गुस्सा होते हैं ऑस्टिन के ऊपर। फिर जॉर्डन बोलता है गाड़ी साइड में लेने को और वो गाड़ी चलाना चालू करता है। अचानक से पीछे से रस्टी नेल आता है और उनके गाड़ी के पीछे लगी हुई क्रेन को टक्कर मारता है। सभी की ये देखकर फट जाते हैं और गाड़ी भगाना चालू करते हैं। रस्टी नेल फिर से गाड़ी को टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन आगे से एक गाड़ी आती है जिसके कारण रस्टी नेल का बैलेंस आउट हो जाता है और रस्टी नेल की ट्रक खराब हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग लेते हैं। रस्टी नेल अपने ट्रक पे लगे कैमरे से उनकी गाड़ी का नंबर देख लेता है और पूरी जन्म कुंडली निकाल देता है सबकी। रस्टी नेल फिर एक सीबी रेडियो के जरिए से कॉन्टेक्ट करता है उनसे, बोलता है मैं तुम्हें उस रेस में पहुँचने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर सब हावरे बावरे हो जाते हैं। फिर जेवर बोलती है कॉप्स को बुलाते हैं, लेकिन जॉर्डन मना करता है क्योंकि उनको पता रहता है कि उनकी भी गलती है उसके अंदर और उनके रेसिंग करियर पे धब्बा लगेगा। वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं गैस फिल करवाने। फिर ऑस्टिन और जेवर एक गाड़ी में जाते हैं और बॉबी, अलीसिया, माइकल और जॉर्डन एक दूसरे गाड़ी में जाते हैं। ऑस्टिन और जेवर की गाड़ी का टायर पंक्चर होता है जिसके कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर रस्टी नेल आता है और उनकी SUV को ठोकने लगता है और उनकी SUV बुरी तरीके से पलटी खाती है जिसके कारण ऑस्टिन और जेवल बेहोश हो जाते हैं। रस्टी नेल ऑस्टिन को उठा के अपने ट्रक के आगे वाले इंजन के पास लेके जाता है और कहता है
खाली हाथ शैतान का हाथ होता है और ऑस्टिन का हाथ उस मशीन के अंदर डालता है और उसके हाथ का नींबू पानी निकाल देता है। रस्टिन और ऑस्टिन का दूसरा हाथ भी अंदर डालता है और उस हाथ में से भी नींबू पानी निकाल देता है। फिर हैवान रस्टिन और ऑस्टिन का थोबड़ा ही मशीन के अंदर डाल देता है और यही पे ऑस्टिन का काम 25 हो जाता है। हैवान रस्टिन जेवल को बांध देता है और सीबी रेडियो से जॉर्डन को कहता है, ऑस्टिन और तेरी लेना मेरे पास है, अगर तुझे दोनों जिंदा चाहिए तो मुझे तेरी कार चाहिए। जॉर्डन मान जाता है और हाँ बोल देता है। रस्टिन जॉर्डन को एक वेयर हाउस में बुलाता है। जॉर्डन वेयर हाउस में पहुंच जाता है। वो एक प्लान बनाता है। वो बॉबी और माइकल को छुपने को बोलता है ताकि रस्टिन उनको डबल क्रॉस ना कर पाए। अलीशा को गाड़ी में बैठने को बोलता है। जॉर्डन रस्टिन को बहुत आवाज देता है लेकिन साला हरामी रस्टिन बॉबी को ट्रक में डाल के ले जाता है। जॉर्डन और बाकी सब रस्टिन के ट्रक का पीछा करते हैं। फिर एक पुलिस वाले को एक स्पीडिंग ट्रक दिखाई देती है, इसलिए वो ट्रक को रुका देता है। पुलिस वाला उस ट्रक के पिछवाड़े को चेक करता है और उसमें से कटी हुई बॉडी मिलती है। ये देखकर पुलिस वाला हक्का बक्का रह जाता है और पुलिस वाला उसको अरेस्ट करता है। वो रस्टिन नहीं होता, कोई और ही ड्राइवर निकलता है। दूसरे सीन में यह दिखाया जाता है, एक ठुल्ला उनके ऊपर गन पॉइंट करता है और वो लोग सब सच सच बता देते हैं। वो ठुल्ला अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उनको पीछे पीछे आने को बोलता है, लेकिन वहाँ पर रस्टिन नेल आता है और पुलिस की गाड़ी के आर पार निकल जाता है। रस्टिन नेल फिर से सीबी रेडियो से जॉर्डन से कॉन्टेक्ट करता है। बोलता है, बाबू मैंने मना किया था ना पुलिस को इन्वॉल्व करने। रस्टिन नेल बॉबी को एक चेन से बांधता है और जॉर्डन को कहता है, देखो और सुनो क्या होता है जब तुम रूल्स तोड़ते हो। रस्टिन उस क्रशर मशीन को चालू करता है जिसके कारण चेन पे लगी हुई नीडल्स बॉबी किस्म के आर पार हो जाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। रस्टिन बोलता है, अब मुझे तू चाहिए, और वो जॉर्डन को जंकयार्ड बुलाता है। कहता है, अगर तू वहाँ पर आया तो मैं ऑस्टिन और लेला को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मिकेल की फट जाती है और वो बोलता है, मैंने पहले ही बोला था पुलिस को बोलते। फिर गाड़ी रोकने को बोलता है और बोलता है, मी एनर ना, और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। मीनवाइल के बाद एक पुलिस वाला जो नया नया टाउन में आया था वो आता है और देखे उसके ऑफिसर का कबाब बन गया है। वो सारे जन को इकट्ठा करता है और नाकाबंदी लगाने को बोलता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रस्टी नेन मिकल को भी पकड़ लेता है। मिकल को जब होश आता है वो दिखता है कि उसका सिर बम्पर और हाइड्रोलिक जैक के बीच में होता है। फिर माइकल माफ़ करा बोलता है, लेकिन रस्टिन नेल कहता है पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और कहता है, अत्ता मारी सटक ली। रस्टिन नेल हैंडल पर अपने पैर से प्रेशर देता है जिसके कारण उसका मटके में से खून आने लगता है और वो मर जाता है। रस्टिन नेल फिर पेट्रोल उसके ऊपर और उसके ट्रक के कैरियर के ऊपर छिनकता है, फिर आग लगा देता है और अपने ट्रक को डिस्चार्ज करके वहाँ से ले जाता है। फिर सीन मुड़कर जॉर्डन के पास आती है जो जंकयार्ड पहुँच जाता है। वह एलिसा को कहता है, तुम गाड़ी में रुकना, मैं उस चौमों का काम 25 करके आता हूँ। और वो पाना लेकर रस्टिन नेल को ढूंढने निकलता है। रस्टिन नेल वहाँ पर आ जाता है। जॉर्डन बोलता है, मैं आ गया, अब ऑस्टिन और जेवल को छोड़ दो। बट हरामी रस्टिन नेल बोलता है, मेरा दिल आ गया है तेरी लेला पे, सो डील इज क्लोज। रस्टिन नेल कहता है, तेरी लेला उस गाड़ी के अंदर है जो एक क्रेन से अटकी हुई होती है। फिर जॉर्डन का माता सनकता है और जय महाराष्ट्र बोलकर रस्टिन नेल के ऊपर हल्ला बोलता है। धड़ाधड़ एक दूसरे को दोनों मारने लगते हैं, लेकिन रस्टिन नेल जॉर्डन को मार मार के उसका भरता बना देता है। रस्टिन नेल जॉर्डन को मारने ही वाला होता है लेकिन वहाँ पर अचानक से एलिसा आती है और रस्टिन नेल को ठोक देती है जिसके कारण रस्टिन नेल अनकॉन्शियस हो जाता है। जॉर्डन और एलिसा उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस गाड़ी में जेवल नहीं होती। उसमें एक कैमरा होता है जिसमें जेवल की रिकॉर्डिंग होती है। रस्टिन नेल जेवल को ट्रक के ऊपर बांध देता है और ब्रिज पे से वो ट्रक को लेके जाता है। जेवल ये देखकर समझ जाती है कि उसका भी राम राम सत्य होने वाला है। धड़ाम करके उसका सिर भी आपटता है ब्रिज से और उसकी भी भेलपुरी निकल जाती है। ये देखकर जॉर्डन का अंदर का जियान जाग जाता है और वो रस्टिन नेल की तरफ बढ़ता है, लेकिन रस्टिन नेल उसको वहाँ पर नहीं मिलता। रस्टिन नेल वहाँ से गायब होता है। जॉर्डन और ऐसे गाड़ी में बैठते हैं लेकिन अचानक से वहाँ पर रस्टिन नेल पीछे से आके उनको ठोक देता है। जॉर्डन पहली फुर्सत में बाहर निकलता है लेकिन एलिसा का पैर फंसने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। जॉर्डन भाग के वो क्रेन की मशीन के पास जा रस्टिन नेल के ट्रक को उठा के क्रशर मशीन के अंदर डाल देता है, उसकी ट्रक को चेप देता है। जॉर्डन समझता है फाइलें ने उसने रस्टिन नेल की भेलपुरी निकाल दी है। फिर सीन शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है सुबह होती है और सब पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पर, और पुलिस वाले जॉर्डन को पूछते हैं क्यों रस्टिन नेल उनको मारना चाहता। जॉर्डन बोलता है साइको था साला, इसलिए। पुलिस वाला उस क्रेन को हटाने बोलता है लेकिन गैस वॉट, उसमें रस्टिन होता ही नहीं। और यही पे मूवी एंड होती है। अगर मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन दोनों भी अच्छा लगा तो
तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और रश्मि अनिल को दुआ में याद रखना, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना आखिरकार रश्मि अनिल ने कितनी जन की भेलपूरी निकाली। राइट वाले आंसर को मिलेगा मेरी तरफ से